क्या बात है, वीडियो देखने के बाद ना यकीनन यही शब्द निकलने वाला है आपके मुंह से भी। काश कि मैं देख पाती आप सभी के मुंह से निकला हुआ ये शब्द। अच्छा वीडियो पे आगे बढ़ो, इससे पहले एक सवाल आप लोगों से। आपने ये लहसुन बो दिया क्या? अब आप सोच रहे होंगे अजीब पागल है, इतना लेट हो गया लहसुन क्यों नहीं बोएंगे। और यकीनन 99% लोगों ने लहसुन बो भी दिया होगा, पर अगर 1-2% लोगों ने नहीं भी बोया है ना, तो आज ना ये लहसुन बोने की टिप कमाल की, आप भी उछल जाएंगे ये टिप जान के। और जिन 99% लोगों ने बो दिया है, तो ये खास टिप इसको तिजोरी में बंद करके रखिएगा, क्योंकि ये टिप जानने के बाद आपने इसके पहले कैसे बोया सब कुछ भूलने वाले हैं। ये गारंटी है 100% क्या 1000% गारंटी है कि सारे तरीके आप भूल के यकीनन आज की ये टिप याद रखेंगे, क्योंकि याद रखने लायक ही है दोबारा सब कुछ। और आज की इस टिप का पूरा क्रेडिट मैं देना चाहूंगी अपनी नीना नायक जी को। नीना नायक जी कोई नाम आपके लिए भी शायद नया नहीं होगा, रेगुलर वीडियोस देखती हैं और आप सभी लोग उनके नाम से वाकिफ भी होंगे। हुआ क्या कि जो पिछला वीडियो मैंने पोस्ट किया था ये लहसुन बोने का, और उस वीडियो पे बहुत अच्छी टिप बताई। हाँ, उन्होंने जो टिप बताई तो उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैंने और भी किया, और टिप यकीनन आपके बहुत काम की, ये मेरा आपसे वादा है। तो ना एक काम करिए, सबसे पहले ना लाइक का बटन दबा दीजिए, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ कि अगर आपको टिप पसंद नहीं आई ना तो वापस आइएगा, वापस आने की भी क्या जरूरत है, वहीं से बैठे बैठे आप डिसलाइक कर दीजिएगा। खास तौर से उन लोगों के लिए भी जो लोग वीडियोस देखने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिसलाइक का बटन दबाते हैं। तो आप लोग मुझे डिसलाइक करिए, मेरी टिप्स को क्यों करते हैं, क्योंकि टिप्स तो आप लोग पसंद ही करते हैं, जब पसंद करते हैं तभी वीडियोस देखते हैं ना, और जब पसंद करते हैं तो आजमाते भी होंगे। तो देखिए बस आपके दिल से कहीं ना कहीं ये आवाज जरूर आती होगी कि ये टिप मेरे काम की है, तो आप मेरे को डिसलाइक करिए, मेरी टिप्स को तो कम से कम लाइक कर दिया करिए। और देखिए बेस्टी के उस पार की जो मैंने श्रृंखला बनाई ना, तो कुछ इसी तरह के फायदों को पाने के लिए बनाई। अब यहाँ पर देखिए नीना जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो मुझसे बांटा, उस पर थोड़ा सा मैंने और एक्सपेरिमेंट किया, तो वो एक कंप्लीट बहुत फायदेमंद टिप बन गई। कुछ यही होता है जब हम लोग मिलजुल के काम करते हैं, और मेरा मकसद यही था। देखिए नीना जी जो जानती थी उनके कुछ एक जानकार लोग जानते होंगे, 2, 4, 6, 10 लोग, 100, 200 जितने भी, पर यहाँ पर जो वही टिप मैं आप लोगों से शेयर करूंगी तो न जाने कितने लोग देखेंगे और न जाने कितने लोग इन बातों का फायदा उठाएंगे। तो बस वही एक मकसद कि जो आप जानते हैं वो बाकी के सब जाने, और जो बाकी के सब जानते हैं वो आप भी जाने। इसको चलिए अब बारी है आपको नीना जी के सुझाव से मिलवाने की। नीना जी ने सुझाव दिया कि इस लहसुन की कली को हम लोग काट के, और जो हमारे इसका सिर वाला हिस्सा होता है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में मिट्टी में दबाया था, उसको हम लोग मिट्टी में दबा दें, और नीचे वाला हिस्सा हम लोग खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ इस खुराफाती दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, क्या चल रहा था वो अभी दिखाती हूँ आगे। ये देखिए नीना जी के कहे के अनुसार मैंने एक नहीं तीन जगह लगाया। यहाँ पर ये लगा है मेरा कोकोपीट में, इस डिस्पोजल में थोड़ा सा कोकोपीट पड़ा था तो मैंने सोचा इसी में लगा के देखती हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए आधा हिस्सा जब मैंने इसमें लगाया तो देखिए आप इसकी जड़ें देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसमें रूटिंग हुई है। तो इसमें तो कोई शक नहीं बचा कि आप ऊपर वाला हिस्सा आप मिट्टी में नीचे दबाएंगे तो इससे पौधा आप उगा सकते हैं सिर्फ आधी कली से। पर यहाँ पर्याप्त नहीं था, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट इसमें करना ज़रूरी था। मैंने क्या किया, जो नीना जी ने सुझाव दिया था आधा हिस्सा नीचे वाला खाने के लिए, मैंने क्या किया, मैंने उससे भी पौधा उगाया। ये देखिए लहसुन के दोनों हिस्से आप इसमें देख सकते हैं, और दोनों हिस्सों में रूट्स आ रही है, ये देखिए है ना। तो बस यही थी थोड़े से खुराफाती दिमाग की खुराफाती उपज। तो अब आप चाहे तो नीचे वाला हिस्सा खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो खाने के लिए हम लोग दोबारा छील लेंगे। दो हिस्से हमने काटे तो दोनों से दो सेपरेट पौधे बना सकते हैं।
और जैसे ही नीना जी का ये मैंने सुझाव पढ़ा तो मुझे इतनी बेसब्री थी इस एक्सपेरिमेंट को करने की कि रात में ही देखिए किचन के टॉवल में मैंने कुछ लहसुन के टुकड़े काटे और दोनों टुकड़े मैंने इस टॉवल में गीला करके रख दिया। टॉवल गीला था तो देखिए कितने अच्छे से अंकुरित हो गए। और यहाँ पर आप लहसुन के दोनों हिस्से देख सकते हैं, आधा नीचे वाला आधा ऊपर वाला। तो बस यही एक कमाल की टिप कि अब हम लोग 50% की ऑफ़र के साथ अपना लहसुन उगाएंगे। भाई हर काम में सेल चलती है ना, हमारी गार्डनिंग में ना बहुत हम लोग सोचते रह जाते हैं कि काश की गार्डनिंग में कोई सेल होती, तो इसी बहाने हम लोग ना अपनी गार्डनिंग की सेल का लुफ्त उठाते हैं। तो एक लहसुन में दो पौधे के मज़े, ये देखिए जो पिछली बार बोया था देखिए उसका भी अपडेट आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए अच्छे से निकल आए हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप हर गमले में दो दो चार चार लहसुन बो दें। अब यहाँ पर एक और देखिए जो सवाल उठा था कि आपने किसी गमले में दो चार जो लहसुन बोए हैं ना, इनको इनसे आप लहसुन नहीं पा सकते हैं, आप पत्तों को आप इंजॉय कर सकते हैं, पत्तों की चटनी बनाइए, क्योंकि साथ ही साथ अगला पौधा होगा तो उसको खोद के आप लहसुन की गांठ नहीं निकाल पाएंगे। और देखिए तीसरा तरीका मैंने आजमाया अपने इस गमले पर, ये देखिए लहसुन का नीचे वाला हिस्सा है ना, ये देखिए नीचे वाला हिस्सा और उससे भी रूट निकल रही है। अब यहाँ पर देखिए ये लहसुन को हो गया हमारा ऊपर वाला हिस्सा है ना, तो जब बीज से आप काटेंगे तो लहसुन का नीचे वाला हिस्सा भी आपको पौधा देगा और ऊपर वाला हिस्सा वो भी पौधा देगा। तो आप एक लहसुन से बनाइए दो पौधे। तो मेरे ख्याल से तो बहुत अद्भुत टिप है, मुझे नहीं लगता कि आपने इस तरह से कहीं पर भी लहसुन उगाने का तरीका देखा होगा, तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात थी और उससे ज़्यादा खुशी हो रही आप सभी को बताते हुए। तो आपने भी अगर अभी तक नहीं बोया तो बोइए, और अगर बो दिया है तो अगले साल इसी तरीके से बोइए। जब 50% की ऑफ़र के साथ हमारा काम चल जाए तो 100% क्यों खर्चा करना, हम सब लोग अपने आप में ही ना कंजूसी के साथ अपना जुगाड़ करके काम चला लेते हैं। देखा कितनी अद्भुत टिप। तो बस अब जाते जाते ना वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ नीना जी को भी धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि नीना जी की वजह से ही पार्शियल आइडिया मेरे दिमाग में आया और बस बन गई एक कंप्लीट बहुत फायदेमंद टिप। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद किया होगा, एंजॉय भी किया होगा, तो बस शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है इस तरह के आइडियाज की। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जल्दी मिलूंगी किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी गार्डनिंग को एंजॉय करें और नीना नायक जी का लास्ट में फिर से एक बार ढेर सारा शुक्रिया, और आप सभी लोगों का वीडियो पे बने रहने के लिए भी ढेर सारा शुक्रिया।